जिला कांग्रेस के अध्यक्ष नरेश ठाकुर की अध्यक्षता में जिला कांग्रेस व कांग्रेस से जुड़े हुए संगठनों की एक बैठक का आयोजन हुआ। इसमें मार्च महीने में प्रस्तावित प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू के हिसाब दे सांसद जवाब दे सांसद कार्यक्रम पर चर्चा की गई। संगठन में आपसी तालमेल बढ़ाने और मजबूती प्रदान करने के लिए सभी ही संगठनों के अध्यक्षों ने अपने विचार भी रखे। जिला कांग्रेस अध्यक्ष नरेश ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस के अग्रणी संगठन के अध्यक्षों के सुझावों को अमल में लाया जाएगा और समस्याओं को सुक्खू के समक्ष उठाया जाएगा। अग्रणी संगठनों को हिसाब दे सांसद जवाब दे सांसद कार्यक्रम के प्रचार प्रसार को आम जनता तक ले जाने के निर्देश दिए। और आज की जो बैठक थी उसमें हमारा मुख्य लक्ष्य था कि संगठन के बीच में किस तरह से कोऑर्डिनेशन बनाया जाए और पूरे जिला के अंदर जितने भी हमारे विंग हैं उनको एक्टिव किया जाए और बूथ स्तर पर और जो है संगठन को मजबूत करने के लिए आज रणनीति तय की गई और सभी जो अध्यक्ष थे उन्होंने इसमें भाग लिया और आज ये हमारा मुख्य उद्देश्य था। जिला की कार्यकारिणी को नहीं बुलाया था, हमने सिर्फ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, जिला के जो हमारे अलग अलग विभाग है, चाहे पंचायती राज है, सेवा दल है, महिला कांग्रेस है और बुद्धिजीवी विभाग है, इन साथ में पेंशनर सेल है, हमने विभाग के प्रमुखों को बुलाया था कि उनकी कार्यकारिणियों को के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है वो कैसे बनाया जाए और आने वाले कल में संगठन को किस तरह से मजबूत किया जाए, क्योंकि हाल ही में लोकसभा के चुनाव भी होने हैं और उस चुनावों के लिए भी रणनीति बनाई जा रही है कि किस तरह से कांग्रेस जो है आने वाले लोकसभा के चुनाव है उसमें उतरेगी। इस मौके पर जिला महासचिव अजय शर्मा, शहरी अध्यक्ष मनोज शर्मा, सेवा दल मुख्य संगठक मदन लाल कौंडल, महिला अध्यक्ष राज धीमान के साथ कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। हमीरपुर से ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल।